हे गाइस, इट्स नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सुपर से क्यूट से गणेशा बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, गणेशा जो मैं आज बनाने वाली हूँ वो मैं आज सुपर क्ले से बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा गणेशा की तो हम पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी का टाइम आ रहा है तो गणेशा बनाना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्यूट से बहुत ही ज्यादा प्यारे से गणेश जी सुपर क्ले से बनाने वाली हूँ एंड सुपर डुपर आइडिया के साथ बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी। तो आपको अगर मेरे नेक्स्ट वीडियो से अटैच रहना है तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी अगली वीडियो से जुड़े रहना है तो फ्रेंड्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स मूव टू द वीडियो। तो गाइस, चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपना वीडियो बनाने के लिए गणेश जी का पेट बनाएंगे एंड पेट बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है यार। तो पेट बनाने के बाद अब हम उनका सीना बनाएंगे। अब मैं धीरे धीरे सीने वाला शेप दे रही हूँ ताकि वो गणेश जी जैसे लगे। यार गणेश जी का पेट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, यू ऑल नो यार। तो अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे फेस की तरफ। तो हम गणेश जी का फेस बनाने वाले हैं एंड आपको पता ही है गणेश जी का फेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि गणेश जी की दो आंखें होती हैं एंड उसके नीचे उनकी एक सूंड होती है। तो ये तो आपको पता ही है, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। वैसे अब हम गणेश जी की धोती बनाने वाले हैं। तो और धोती बनाएंगे हम रेड कलर की क्योंकि रेड कलर बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो मैंने रेड कलर की धोती बनाने का सोचा तो मुझे रेड कलर बहुत अच्छा भी लगता है एंड रेड कलर से धोती बनाने के बाद अब हम गणेश जी को धोती वाला टेक्सचर देंगे एंड गणेश जी की धोती में मैंने टेक्सचर देना अब स्टार्ट कर दिया है एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार ये गणेश जी का धोती। एंड मैंने गणेश जी के छोटे छोटे पैर भी बना दिए हैं एंड मैंने उनकी क्यूट सी प्यारी सी सूंड भी बना दी है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी यार क्योंकि अब मैंने गणेश जी की छोटी छोटी दो आँखें बनाई हैं एंड आँखों में ब्लैक ब्लैक दो डॉट्स बना दिए हैं। मैंने गणेश जी के हाथों को भी तैयार कर दिया है यार क्योंकि गणेश जी के हाथ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उनके एक हाथ में लड्डू होता है और एक हाथ में वो आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी गणेश जी के चार हाथ भी बनाते हैं लेकिन मैंने यहाँ दो ही हाथ बनाए हैं एंड उसके बाद मैंने गणेश जी का सुंदर सा तिलक भी बनाया है एंड तिलक बनाने के बाद गणेश जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं यार। एंड मैंने गणेश जी के कानों को भी बना दिया है एंड आप में से कौन गणेश जी की पूजा करता है यार ज़रूर बताना क्योंकि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ। एंड फाइनली हमारे गणेश जी रेडी हो चुके हैं एंड गणेश जी को बनाने के बाद अब हम गणेश जी की सुंदर सी पगड़ी बनाएंगे एंड पगड़ी बनाने के बाद गणेश जी का लुक ही डिफरेंट लगेगा एंड बहुत ही ज़्यादा गजब के लगेंगे गणेश जी। तो आप देख सकते हो कि गणेश जी कितने अच्छे लग रहे हैं। उनको श्रृंगार करेंगे अब हम उनका। तो गणेश जी बिना श्रृंगार के तो अधूरे ही लगेंगे ना। तो गणेश जी को हम माला पहनाने वाले हैं सुंदर सी गोल्ड की एंड गणेश जी माला पहन के बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि यार मेरे गणेश जी कैसे लगने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक से लग रहे हैं। मैं तो इसी गणेश जी की पूजा करने वाली हूँ क्योंकि गणेश चतुर्थी पास है। अगर आपको ये गणेश जी अच्छे लगे तो यार जरूर ट्राई करना एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरे गणेश जी कैसे लगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे क्यूट से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से गणेशा बन चुके हैं यार। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने गणेशा बनाए हैं। तो आज मैंने ये क्यूट से गणेशा बनाए हैं, आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे से गणेश जी हैं एंड गणेश चतुर्थी पे मैं इनकी पूजा करने वाली हूँ। सो गणेशा, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं लगा तो यार फिर भी कर दो। तो फ्रेंड्स आप भी मुझे कुछ ब्यूटीफुल एंड क्यूट सा आइडिया देना कि मैं क्या बनाऊं, क्ले से क्या क्रिएट करूं एंड अगर आपके दिमाग में कुछ और भी आइडिया है तो यार मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मुझे यार से मैं नया नया करने की आदत होती है बट दिमाग में आइडियाज़ भी आते रहने चाहिए। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग या सुपर डुपर आइडिया है तो ज़रूर शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो आज के लिए बाय बाय।